हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। आज आप देख रहे हैं ध्रुव जोन और मैं आपका होस्ट ध्रुव। तो आज बेसिकली हम रैप करेंगे अपना जियोनी P5W। ये फ़ोन की हालत अभी आप देख सकते हो किस तरीके की है। ये एप्पल स्टिकर टेप्ड हो रखा है इसके ऊपर। इसकी एक ये जो वॉल्यूम की है, सॉरी हिलमत, तो ये जो वॉल्यूम की है ये निकल चुकी है अंदर से, आपको दिखाऊंगा मैं। इसकी बैटरी कंडीशन भी थोड़ी सी हल्की फुल्की ठीक नहीं है, बट चल जाएगा। तो अभी हम इसको पूरी तरीके से चेंज करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले जो मज़ेदार चीज़ है, इसको हम साफ करेंगे। लाइटर रखा है ताकि रैप हो सके। सर्जिकल ब्लेड है फेविक्विक उसको जोड़ने के लिए। तो सबसे पहला जो काम है, इन सब कुछ चीज़ों को रखते हैं साइड में। सर्जिकल ब्लेड मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा कट जाता है। ये देखो शार्पनेस, ये 10 नंबर का है। शीट निकालते हैं अपनी, आजा। तो ये रैप का डब्बा भी साइड में फेंक देते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये रखा फोन, ऐसे यहाँ तक थोड़ा सा और कर देते हैं, तो इस वाले ब्लॉक तक। एंड यहाँ तक तो इसको काट ही लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। ये ठीक है, तो इतना काट लिया। बाकी जो है अगले कुछ फोम्स को जब हम रैप करेंगे तो उसके अंदर काम आएगा। इसको रख देते हैं वापस बॉक्स के अंदर। आ गया फिर सेफ सिक्योर बॉक्स दी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के वक्त। इस बॉक्स से कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया है। सब फिर फोन की तरफ आते हैं। तो गाइज, अब मैंने एक ये फोटो शीट ली है, आपको दिख रहा होगा। तो इसकी स्क्रीन हटाते हैं। सबसे पहले जो ये टेम्पर्ड ग्लास है, बहुत गंदा लग रहा है, तो इसको हटाते हैं सबसे पहले। ये यहाँ से कांच कांच करके अलग होएगा। एक साइड का तो आ गया है, अब इसका ब्लेड का यूज करते हैं। एक साइड से निकल चुका है, अब अंदर कहीं स्क्रैच स्क्रूच ना आ जाए, इसलिए आराम से सब कांच ही कांच हो रहा है। ये हट चुका है, स्क्रीन देख लो एकदम क्लियर है। तो ये हो गया है पूरा साफ, इसको भी करेंगे साफ। अब इसको रख देते हैं साइड में हटा के। कहाँ चला काम खत्म। हाँ, अब इसका क्या करें, सबसे पहले लोगो ही हटा देते हैं, एप्पल वाला। हट चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये कुछ लोगो है, ये मेरे आईफोन 4 के साथ था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लगाएं, क्या कहते हो आप,
कमेंट के अंदर बताना, पर अभी मैं लगाने तो वाला नहीं हूँ इसके अंदर। इसको भी फेंक देते हैं साइड में। तो अब करते हैं इसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ये टूटा पड़ा है। ये देख सकते हैं ये यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ इस जगह से शायद से आपको नहीं दिखेगा भी। ये देखिए ये अलग हो गया ना, तो यहीं से इसको साफ करना है। देखिए पूरा ये हट सकता है, जिसका डर मेरे को लगा हुआ है। तो खोलते हैं फेविक्विक को। ये है, अब मैं वही देख रहा हूँ कि किस तरीके से करूँ कि ये ठीक ढंग से हो जाए। अपने पास इसकी चिमटी लेके आता हूँ। तो ये इसके मदद लेके हम रख तो सकते हैं, बट वही डर है कि ये अगर चिपक गया तो फिर इसको यूज़ करना थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फेविक्विक खोल ली है। तेरी उंगली चिपकी कबाड़, तेरी भैंस की पूंछ, देख रहे हो उंगली भी चिपक गई थी और ये भी बच गया। अब तो रैप ही होएगा इसका। गेट भी टूट चुका है, हाँ, और चिपक चुका है। ये देखिए टेबल पे भी फेविक्विक गिर चुकी है। कोई नहीं, अब फिर से एक और ट्राई करते हैं, इस पर काम करते हैं। इसको इसके ऊपर ही लगा देते हैं, जरी सी अप्लाई करेंगे इस पर। हाँ शायद से नहीं लगा, ट्राई वंस अगेन। अब लग जाना चाहिए, लग गया। उंगली पे देख रहे हो तेरी नेल पॉलिश के, तेरी ये भी चिपक गया, बच गया ये, बच गया। कोई नहीं, ट्राइड फॉर यू गाइस। तो ये हमारा हो गया है फिक्स, हाँ परमानेंटली फिक्स हो गया। इससे पहले कि ये खराब हो तो उसको कोई टेंशन नहीं हमको। तो अब करते हैं इसको थोड़ा सा, ये मैंने अल्कोहल रब लिया है थोड़ा सा और ब्रश लगा के, अंदर से भी बहुत ज़्यादा ही गंदा था। जैक, चार्जिंग जैक और हेडफोन जैक की तरफ, तो एक ब्रश लिया है मैंने, उससे थोड़ा सा करेंगे ट्राई साफ करने का। देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉर्नर्स में कितना ज्यादा गंद था। कैमरे का
का जो ये था राउंड, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, पीछे भी थोड़ा सा हमने मार दिया है। अल्कोहल रब है तो ये जितना भी स्टिकर की टेप वगैरह थी ये भी सब हट जाना चाहिए, हट गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग हो गया है सब। तो अब स्पीकर साइड में भी कर दिया है, नीचे चार्जिंग वाले पे भी जरा सा थोड़ा सा और डाल लेते हैं। अब एक नई चीज और आ गई है, ऑन ऑफ बटन का भी कुछ ऐसा सही लफड़ा चल रहा है। पहले चेक करेंगे कि अगर ये पावर वॉल्यूम की जो है ठीक ढंग से चलती है। आप देख सकते हैं अभी ये जो बैक है पूरी तरीके से साफ हो चुका है, कॉटन का यूज करके इसको पूरे को साफ कर लेते हैं एक बारी। फिंगरप्रिंट टाइप की आ गई है वहां पर, ईयरफोन और चार्जिंग जो पोर्ट्स थे उसका पूरे ढंग से साफ हो चुका है। अगर आपको इसके रैप की एक छोटी एक और है अपने पास, एक और चैनल का मैं लिंक डालूंगा, उसके अंदर जो कीपैड्स वाले मोबाइल हैं वो करते हुए कि उसके अंदर है, तो प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब ये ऑन ऑफ वाला बटन जो है इसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। हो गया, ये भी हो गया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मार देते हैं, यहाँ पर फेविक्विक चिपक चुकी है, देख लीजिए। फेविक्विक ने ब्रश का भी हालत खराब कर दी है। कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए जो फोन हमने साफ किया उसके अंदर से इतना, अब ये देखिए पूरी तरीके से सूख चुका है। अब स्क्रीन के ऊपर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अल्कोहल रब ठीक रहता है इनके लिए। तो ये इस तरीके से पूरा साफ हो गया है। कैमरा भी साफ कर देते हैं इसी। तो अब जो ये है हमारा, अब ये पूरा तरीके से रेडी है। और तेरी फेविक्विक यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप डॉट्स, यहाँ पर ये देखिए 1 2 3, तो ये यहाँ पर भी गिर चुकी है, पर इतनी कोई वो है नहीं अपने लिए। तो ये सारा सामान हम साइड में रखते हैं, अब करते हैं रैप। तो सबसे पहले जो ये कीज़ हैं, कीज़ वर्क कर रही हैं, वॉल्यूम पावर की जो थी वो ठीक ढंग से वर्क कर रही है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, साइलेंट हो गया, वॉल्यूम अप का जो की है वो भी ढंग से काम कर रहा है, ऑन ऑफ वाला भी ठीक ढंग से काम कर रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। ये देखो मैंने साफ सुफ कर दिया है इसको, एक साइड के अंदर से यहाँ से इसको निकालेंगे। तो ये निकाल के कुछ इस तरीके से ये देखिए, ध्यान से ये देखो ये लग गया। कोई भी एक कार्ड लेके इसको टेल द टॉप कर देंगे, ठीक है। ये हो गया है, ये देखो यहाँ पर एक बबल आ गया था,
ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक लाइटर लेके इसके ऊपर एक जो बबल आया है इसको साइड से उठा के करते दबा देंगे बबल को। ठीक है, ये इस तरीके से लग गया है प्रो। अब थोड़ा सा लाइटर लेके एक एक साइड से है ना ये अपने आप ही टर्न हुआ, तो इस तरीके से पूरा करके ये हो गया। ठीक है, और अपना कैमरे के साइड का तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कट गया। इस साइड वॉल्यूम कीज़ वगैरह हैं तो ये देखो एक तरफ का हो गया। ऐसे ही थोड़ा सा इस साइड के ऊपर जरा सा करते हैं तो ये इस तरीके से है ना। ठीक है, इस साइड में रह गया ये हुआ इस तरीके से हो गया। फिर पूरे को पूरे में कर देंगे जरा सा है ना, देख रहे हो इस तरीके से ये हो गया। तो अब जो है ये रहा ऊपर वाला साइड, इधर थोड़ी सी टेप लगी हुई है, टेप को हटा देंगे। ठीक है, टेप हट चुकी है हमारी। कैमरे के ऊपर जरा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये हो जाए, उसकी शेप आ जाए उसके अंदर। देखो अब शेप आ गई ना उसकी। तो यहाँ पर एक बबल है, बबल का तो कुछ हटेगा तो है नहीं अभी, कोई नहीं। इस तरफ से और थोड़ा सा भी करने का है, डिटेल नहीं आई है। इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये आ गई है। ये हो गया, अब ऊपर ऊपर का रहा है, कैमरे के ऊपर भी आ गया है और ये भी देख सकते हैं ऊपर तो जा रहा है हल्का हल्का सा दबा के। ये सब उठा लिया था हमने होते कुछ तो आवाज आई। अच्छा वो बबल की होगी या कैमरे की स्क्रीन गई होगी, दो में से कोई एक चीज ही हो सकती है। कोई टेंशन नहीं है। तो ये इस तरीके से ये हमने ऊपर की तरफ कर लिया, खींच लिया है। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया है, इसको लगा दिया है कार्बन फाइबर की, जो थोड़ा सा फोन के ऊपर कर देते हैं ताकि बस ये हो गया इस टाइप से। अब देखो आप कैसा कितना अच्छा लग रहा है ना फोन। अब करते हैं इसको कट। तो गाइस अब करते हैं इसको कट। तो ये कटर मैंने लिया है, सर्जिकल ब्लेड भी है, बट उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी लाइन टाइप की बना लेनी है ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया रहे कि आपको किस तरीके से कहाँ तक काटना है। तो ये देखिए मैं आराम से कर पा रहा हूँ। ये देखिए बहुत प्यारे तरीके से आराम से बिना किसी हुए, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइनिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कट जाता है। यहाँ पर भी जैसे देखिए आपने कर लिया है,
बहुत आसान है। अब ये हो गया, इसको करते हैं, खोलते हैं। ये देखिए बहुत आराम से खुल गया है। ओ तेरी, इसके अंदर कैमरे के अंदर वो टेप चिपक चुकी है। एक चीज और है कि इसको हम कॉर्नर से जरा से ये कर लिया है। ओ तेरी, कोई नहीं, आगे से ही हटा है। तो ये भी हमने कट कर लेना है। तो ये कट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कैमरे में है, कैमरे की लेंस यहाँ पर निकल चुकी है। तो कैमरे की लेंस को दोबारा से हम फिक्स कर देंगे। ये हट चुका है कैमरे की लेंस से, ये कैमरे की लेंस वापस लग गई। ठीक है, अब इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है हमको। अब स्क्रीन के ऊपर से हटा देते हैं जितना भी एक्स्ट्रा कार्बन फाइबर है। ये देखिए ये हट चुका है, और इसके अंदर अब देख लीजिए आपका कैमरे की लेंस के ऊपर भी कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस व्रैचेस नहीं आए हैं। कैमरे के लेंस के पास का जितना भी है, अब इसको देखो पूरा, इसका जो ये कटा हुआ है ना, इसको थोड़ा थोड़ा सा अंदर को टर्न करना ताकि ये निकले ना। ये देखिए इस तरीके से आपको जरा सा इस तरीके से करना है, एंड ये जरा सा हो गया। ठीक है, इस तरीके से शाइन आ जाती है इसके अंदर। अब जितनी बारी टच करेंगे इसको, ये देखिए अब इसका डिटेलिंग कर देते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है इसका, है ना। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर भी जरा सा, ठीक है, ये हो गया डन। अब इस साइड का हो कर लेते, और यहाँ पर एक ये हेडफोन जैक है, हेडफोन जैक को भी कट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, ये हो गया अंदर की तरफ टर्न। यहां पर भी ये हो चुका है, और अब बचा एक ये लेंस का, कैमरा का, और इसकी फ्लैशलाइट का। तो यहां पर भी जरा सा करके इसको अंदर की तरफ, ये अगर आपके पास नहीं है आप एक छोटी सी स्टिक भी ले सकते हैं, स्टिक से भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये अंदर की तरफ आ गया है जरा सा। रही बात ये फ्लैश लाइट की, फ्लैश लाइट का तो इस तरफ से है, हो गया। तो ये हो गया है, इसको भी जरा सा गिर गया गलती से।
ऐसे कर देंगे, जो भी है। ये हमारा कार्बन फाइबर से पूरी तरीके से लग चुका है, इसको लगाते हैं। इसकी फिनिश जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर बच रही है कैमरे के ऊपर, बट ज़रा से इसको भी साफ़ कर देते हैं कैमरे को। एंड इट्स डन। कैमरा चेक कर लेते हैं किस तरीके की आती है फिनिश उसमें। हमारा हो चुका है, अब ये सब चीज़ें को साइड में रख के फेंक देते हैं। और कैमरा जो है फ्रंट आ गया, देखिए बैक, कोई टेंशन नहीं है। गैलरी कंटिन्यू, ये देखिए किसी तरफ से कुछ भी ऐसा है नहीं। और जो इसका वॉल्यूम कीज़ वगैरह ये भी सब वर्क कर रही हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको निकाल सकते हैं, बट मेरे को ऐसा है कि यहाँ पर जो है फेविक्विक लग चुकी है तो मैं निकालूंगा नहीं उसको। तो ये है फिनिश लुक इसकी, जो कि आप DIY मतलब आप खुद से भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना इस वीडियो को जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।